बिलासपुर सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी बम्बर ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से आज चुनावी माहौल हमें देखने को मिला बिलासपुर में भी, क्या लग रहा है, कितनी की गारंटियों पर लोग विश्वास जताएंगे? यहाँ पे भाजपा ने जो भी कहा वो झूठ के सिवा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा था कि हम बिलासपुर के अंदर आपको मुख्यमंत्री मिलेगा और बिलासपुर के अंदर आपको रोजगार मिलेगा। तो नड्डा जी मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री से बहुत बड़े बन गए और मुख्यमंत्री बनाने वाले बन गए। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये तो सिर्फ वोट ऐंठने के लिए बात करते हैं। अब जो मेजर यहाँ पे डिमांड्स थी उनको भी पूरा नहीं कर पाए, तो रोजगार देने की बात तो दूर थी। जो रोजगार एम्स के अंदर, हाइड्रो कॉलेज के अंदर, फोर लेन में, रेलवे में जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। अब ये लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये केवल मात्र घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार अपने लिए उन्होंने किया है, अपना विकास किया है और लोगों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए अब ये जो जनसैलाब है ये तो आधे चुनाव क्षेत्र का है, आधा तो कल वहाँ था मुकेश जी के, वहाँ पर भी ऐसा ही जनसैलाब उमड़ा, यहाँ भी ऐसा ही है। लोगों को नेता नहीं चाहिए, लोगों को जनसेवक चाहिए। और मैं नेता शब्द मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लगाया नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेता सबसे दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में रहूँ। जो भी मेरे को भगवान ने, मालिक ने दिया है वो मैं जनता के लिए लगाऊँ और हर गरीब के दरवाजे तक मैं पहुँचूँ। सरकार का जो तंत्र है वो हर गरीब के दरवाजे तक जाए। अब हमने फैसला किया है कि विधायक यदि जनता मुझे बनाती है तो जनता मेरे साथ मिलने नहीं आया करेगी, मैं हर गांव में गांव वाइज दरबार लगाऊंगा और जिस गांव में जाऊंगा फिर वहां पे और कोई नहीं होगा, वहां पे ऑफिसर होंगे और गांव वाले होंगे, दूसरे गांव का भी वहां कोई नहीं होगा, दूसरे गांव में जब जाऊंगा तो फिर पिछले गाँव का कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें वहाँ पर हो और उनकी समस्याएँ हो और उनका ही जो अधिकारी हैं हर दो महीने के बाद उसका अधिकारी और विधायक उसकी जवाब तलबी जो है जनता के पास हो। तो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। कितनी चुनौती मानते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के हैं, उनका ये गढ़ कहा जाता है और इसके अलावा आपके जो ऑपोजिट खड़े हैं त्रिलोक जामवाल जी वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, 5 साल सरकार चलाई है उन्होंने, वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने एडवाइस दी कि महिलाओं के सिर पे सीमेंट की बोरी उठाओ और तब उनको जाकर के दुड़ाओ, फिर मल्टी टास्क वर्कर लगाओ, ऐसे युवाओं को सलाह दी। यदि गवर्नमेंट के अंदर कोई गलत काम हो रहा था, इट वाज हिज प्राइमरी ड्यूटी टू गिव गुड सेशन, रोकना चाहिए था सरकार को, सलाहकार का मतलब सलाह देना है। तो उन्होंने गलत सीखा, बोला दुड़ाओ, अब वो महिलाएं, माताएं और नौजवान उसको देखना तक नहीं चाहते, देखा वैसे भी नहीं है, नाम सुना है उन्होंने, लेकिन वो ऐसे सलाहकार की सलाह को नहीं मानना चाहते जिन्होंने नौजवानों के और महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया। टिकट आवंटन को लेकर इस बार काफी मतभेद हमने बीजेपी में भी देखा और कई अन्य पार्टीज में भी होता है इलेक्शंस के टाइम में, लेकिन बीजेपी में इस बार परिवारवाद बहुत ज्यादा देखने, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है देखने को बहुत मिला। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद तो है। अब जगत प्रकाश नड्डा जी चाहते थे कि इस चुनाव क्षेत्र में बम्बर को टिकट ना मिले और उन्होंने मैनेजमेंट भी बड़े स्तर पे की थी और वो मैनेजमेंट उनकी फेल हो गई, क्योंकि हमारी ये जो हजारों हजारों लोग हैं इनकी दुआएं हर सांस सांस में चलती थी और दुआएं काम कर गई और दुआओं ने काम किया। तो हमारे रानी साहिबा ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने, शुक्ला जी ने, कोई नेता दिल्ली में ऐसा नहीं था जिन्होंने मेरे नाम का समर्थन नहीं किया। तो ये दुआओं से काम हुआ है और दुआएं तब निकलती हैं यदि हम उनके सुख दुख में, दर्द में शामिल होते हैं। वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, आज भी त्रिलोक जुमार तो नाम है, दिखता कहीं नहीं है, वोट तो उनका बेटा मांग रहा है, बेटा मांग रहा है, पत्नी मांग रही है, तो परिवार ही बात ही है। और वो एम्स में जाता है तो प्रशासन उनको इस प्रकार का प्रोटोकॉल मुहैया कराता है जैसा कि मुख्यमंत्री को होता है, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। अच्छा बम्बर जी, एक और समस्या जो यहाँ पर सुनने को मिली है लोगों से और देखने को भी, वो है नशे की। तो इस बारे में जब त्रिलोक जी से सवाल किया गया उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की देन है। नशा किसी सरकार की देन नहीं है, ये सिर्फ चुनावों में मुद्दा बनाने के लिए हम लोग पार्टी लेवल पे बातों को करते हैं, ये एक समाज की देन है। समाज के अंदर जो गलत असामाजिक तत्व आ जाते हैं
उनको रोकने का काम हर सरकार करती है, हर सरकार ने किया, मैं नहीं कहता कि इन्होंने भी किया, लेकिन इन्होंने भी किया, लेकिन वो 40% इजाफा हुआ है इस सरकार के अंदर भी। रोड मैप तैयार किया इसके लिए क्योंकि युवा है, रोजगार भी चाहिए और ऐसे में नशे में जो अगर लिप्त हो जाते हैं तो वही हाल हो जाएगा जो इस वक्त और अन्य राज्यों का भी है। नशाखोरों को जो नशे की सप्लायर हैं वो पकड़े जाने चाहिए, नशे के जो सप्लायर हैं वो गलत हैं, पीने वाला गलत नहीं है, वो तो टीन एज के अंदर बच्चे को इसका हैबिचुअल किया जाता है, वो उनकी दुकानदारी है, जिस घर से दो कर्मचारी हैं, जिस घर में नेता हैं, जिस घर में व्यापारी हैं, जिनको जिन्हें पैसा है, उन जगहों पे जाकर के ये जो लोग हैं ये उनको शिकार बनाते हैं और उससे उनकी दुकानदारी चलती है। ये पकड़े जाने चाहिए और सख्त कानून इसके लिए बनना चाहिए। अब हम सरकार में यदि जाएंगे तो इसका सख्त कानून बनाएंगे। बहुत से लोगों की जाने चले गई इसमें और हमारी पीढ़ी जो है, इस सरकार ने कहा था कि हम इसको बिल्कुल रोकेंगे, लेकिन रोकने में नाकाम हुई, 40% इजाफा हुआ है बिलासपुर के आंकड़े, बहुत से नौजवानों की मौत हो गई है। बब्बर जी आगे प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में समय कम है, क्या मुद्दे लेके सबसे पहले जा रहे हैं आप? हमारा मुद्दा यही है कि हम बिलासपुर को एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया घोषित कराएंगे। कांग्रेस की सरकार बनती है, लोगों का समर्थन मुझे मिलता है, मैं विधायक बनता हूँ, हम यहाँ पर 1500 बीघा जमीन में चयनित करके एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया घोषित कराएंगे जिसमें 200-400-500 फैक्ट्री लगे। हमने तो सोचा था कि ये बद्दी में 18,000 फैक्ट्री लग सकती है, तो अब जेपी नड्डा जी आए हैं, पूरा देश का तंत्र उनके अधीन है और हमने ये सोचा था कि बिलासपुर को इंडस्ट्री एरिया मिलेगा और हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पर हम इस काम को करेंगे। बदलाव आ रहा है इस बार हिमाचल में? बिल्कुल आ रहा है। कौन सी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ बब्बर ठाकुर, उन्होंने कहा कि बदलाव इस बार आ रहा है और अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग वो मुद्दे समझ भी रहे हैं। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, बिलासपुर।